मेरा नाम है रवि। आज हम बात करेंगे जापान के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसको कैसे लिया जाता है और आपके जो आरुबाई तो होती है उसको परमानेंट वीज़ा में कन्वर्ट कराने के क्या क्या तरीके होते हैं। देखिए, आरुबाई तो जो होती है वो यानी कि पार्ट टाइम जॉब, वो स्टडी बेसिस पर मिलती है और स्टडी वीज़ा जो है वो लगभग एक साल का या डेढ़ साल का आपको मिलता है। ये एम्पल टाइम होता है, ये काफ़ी टाइम होता है एक परमानेंट जॉब को ढूंढने का, और परमानेंट जॉब जो है वो आपको दो या तीन साल के अंदर ही काफ़ी अमीर बना सकती है, काफ़ी पैसे आप सेव कर सकते हैं परमानेंट जॉब से। देखिए, परमानेंट जॉब काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि परमानेंट जॉब का जो वर्क वीज़ा है वो स्टडी वीज़ा से कैसे कन्वर्ट होगा। देखिए, इसके तीन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आप अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू देके यहीं पर स्टडी वीज़ा से इंटरव्यू देके जॉब को ले लेते हैं तो वही कंपनी की ड्यूटी रहती है आपको वर्क वीज़ा दिलवाने की। सेकंड इसका स्टेप रहता है कि अगर आप स्कूल के ही करिकुलम को फॉलो करते हैं, अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं, अटेंडेंस आपकी अच्छी रहती है तो वहीं स्कूल से ही आपको परमानेंट जॉब्स के लिए ऑफ़र मिलता है, जिसमें से आपको सिर्फ अपना इंटरव्यू देना होता है। उसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी, जैसे कि रिज्यूम कैसे बनाना है, मेंसेज किसको कहते हैं, उसमें ओजीगी करने का तरीका क्या होता है, ये सब आपको स्कूल ही ट्रेनिंग देता है। और तीसरा स्टेप होता है, आप यहाँ पर बहुत सारे फ्री काउंसलर्स होते हैं, जैसे जैसे इंडिया में प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं वैसे फ्री काउंसलर्स होते हैं यहाँ पे, जो कि आपको परमानेंट जॉब किस तरह से आप हाई सैलरी जॉब ले सकते हैं, कितने टाइम में, कितनी जल्दी उसको ले सकते हैं, क्या क्या उसके लिए करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग देते हैं। तो ये तीन चीज़ों को अप्लाई करके आप बड़े आराम से वर्क वीज़ा यहाँ पर ले सकते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि जैसे मुझे क्या इंडिया वापस आना पड़ेगा, इंडिया से अप्लाई करना पड़ेगा। जी नहीं, आप अपने स्टडी वीज़ा के अंदर ही रह के वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपको मिनिमम 3 ईयर्स का या 5 ईयर्स का, डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी पॉलिसी, आपको वर्क वीज़ा मिलता है। एक चीज़ और, उस कंपनी को चेंज करके दूसरी कंपनी में जाने से भी उस वर्क वीज़ा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसी वीज़ा से लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं, या फिर बाद में थोड़े टाइम बाद आप उसको आरुबाइतों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी आरुबाइतों भी होती हैं जिसमें एक घंटे का ऑन एन एवरेज आपको 2000 येन भी मिलता है, 1800 येन भी मिलता है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो यूजुअली आपको 950, 970, 1000 येन ऐसे मिलेगा। लेकिन ऐसी आरुबाइतों जिसमें आपकी थोड़ी सी जापनीज लैंग्वेज स्किल्स की ज़रूरत हो, जो कि आपको लगभग 3 महीने या 6 महीने के अंदर आ जाती है, उसका जो पर मंथ रेम्यूनरेशन होता है वो 1800 येन तक भी आप कमा सकते हैं, जो कि एक फुल टाइम वर्क के ही बराबर होता है। सो फ्रेंड्स, इस सब के लिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जापनीज़ लैंग्वेज की काफ़ी ज़रूरत होती है। देखिए, JLPT की अगर हम बात करें तो N4, N3, मैं कहूँगा N2 तक का आप अपना टारगेट बनाइए, और उसके बाद फिर जापान में आने का प्लान बनाइए, तभी आपके लिए ये बहुत बहुत फ्रूटफुल रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा। इसको बीच में छोड़ के जाएंगे नहीं आप। बीच में जो लोग छोड़ के जाते हैं वो कुछ और ही सोच के आते हैं, वो सोच के आते हैं कि इजीली मैं जापान में रह लूँगा, जापान में काम नहीं भी करूँगा तो भी चल जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जापान में आपको रेगुलरली वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि जापान में आपकी कॉस्ट काफ़ी लग जाएगी अगर आपको लेविश जीने का मन करता है तो। अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करके आप काम चलाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल ऑन एन एवरेज जापनीज तरह लाइफ स्टाइल बिताना चाहते हैं तो कॉस्ट आपको लगभग एक महीने की 10 मान 12 मान लगभग एक्सपेंस करना पड़ेगा। यानी कि आपको, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टार्ट ही अपना टारगेट एक महीने का 20 मान से बनाएं। ऑल द बेस्ट। आज हम बात करेंगे जापान के अंदर लिविंग कॉस्ट को कम कैसे किया जाए। देखिए, लिविंग कॉस्ट को कम करना आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, लगभग 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन, लेकिन लिविंग कॉस्ट अगर आपने कम कर ली तो खाली एक महीने में आप 2 महीने जितना पैसा मतलब आप डबल पैसा बचा सकते हैं। जितना एक महीने में आपका एक्सपेंस होगा उसको आप कम करके, जैसे अभी हम उसी जगह नांबा पर ही हैं, नांबा पर ऐसी भी शॉप्स हैं जो कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि सच में मुझे ढूंढ ढूंढ के शॉपिंग करनी है, बहुत अच्छा अच्छा सब जगह है, लेकिन वो जगह हैं जहाँ पर 10,000 येन की चीज़ सिर्फ 1,000 येन में मिल जाए, वो वाली जगहें भी होती हैं। आपको ये ढूंढने के लिए बहुत इजी है, आप पहले खुद जाके देखें, खरीदें कुछ मत,
बस जाके देखें और उसके बाद एक जापनीज को अपने साथ ले जाएं, वो आपको और भी इससे मिलती जुलती चीज़ें सस्ती वाली दिखा देगा। और जापान में लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, आपको किसी से भी आप रास्ता पूछेंगे तो बाकायदा आपको मैप के साथ समझा के, हमारे साथ तो भी ऐसा हुआ था कि वो हम वो बाकायदा छोड़ के आए वहाँ पर। तो कॉस्ट बचाने की बात कर रहा था मैं, कॉस्ट जो है वो आप जापनीज से बात कर करके बचा सकते हैं। जापान में रहना बहुत ही महंगा है, बहुत ही अनकम्फर्टेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैमिली मार्ट द मोस्ट फेमस कॉम्बिनी कन्वीनियंस स्टोर ऑफ जापान, ओसाका, टोक्यो, आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपको फैमिली मार्ट, लॉसन, 7-Eleven, इनमें फैमिली मार्ट सबसे ज़्यादा दिखेगा। देखिए इसमें सुबह से लेकर रात तक रहने के लिए आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, साबुन से लेकर एवरीथिंग, साबुन तेल, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, सब कुछ यहाँ पर मिलता है बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर। और सबसे बड़ी बात ये 24 घंटे खुले रहते हैं, नेंजू मुक्यू जो यहाँ पर कांजी में भी लिखा हुआ है गेट पर ही, इसका मतलब होता है कि सारा साल ओपन बिना किसी छुट्टी। तो फैमिली मार्ट जो है ये भी एक जैसे फॉर एग्जांपल मुझे तो बहुत पसंद है, मैं यहीं पर घूमता हूँ और काफ़ी कुछ देखता रहता हूँ कि ये भी इतना सस्ता है, ये भी इतना अच्छा है, मतलब ये चीज़ें भी हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें कभी देखने को मिली ही नहीं होती। तो ये भी एक तरह से आपकी पढ़ाई बनती है, ये तरह से एक इंटरनेशनल कल्चर आपको सीखने को मिलता है बाय द वे ऑफ शॉपिंग। इस टाइम हम हैं मिनातो, जिस जगह पर मैं आपको बता रहा था कि कंट्री साइड है, और जो जापान का व्यू है, असली व्यू जो कह सकते हैं कि गांव का व्यू, वो दिखाने के लिए मैं आपको यहां लाया हूं। पीछे जो बिल्डिंग्स भी हैं, इनसे अगर और पीछे जाएं तो सी बीच है, और ये है टोक्यो जो कि स्टेशन पर रुकती नहीं है। मैंने अपने इनिशियल वीडियोस में भी बताया था कि जापान में जैसे सिस्टम होता है मेट्रो स्टेशन पर, कुछ ट्रेन्स कुछ जो फुत्सु देंशा होती है यूजुअल ट्रेन, वो हर स्टेशन पर रुकती है, लेकिन ये जो ट्रेन गई थी इसको हम कहेंगे क्यू को या फिर टोक्यो, जो कि दो तीन स्टेशन छोड़ के रुकती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम ट्रेन का भी सफ़र करेंगे और मैं आपको ये दिखाऊँगा कि मेट्रो से मिलते जुलते पॉइंट्स क्या क्या हैं और मेट्रो से अलग पॉइंट्स क्या क्या हैं। ऑल द बेस्ट। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ना जापान में आप लोगों को कल्चरल नॉलेज के साथ साथ जापनीज लैंग्वेज के साथ साथ इंटरनेशनल कल्चर भी सीखने को मिलेगा। ये चीज़ हमें जापान में काफ़ी कुछ देखने को मिलती है। जो लोग बेसिकली ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब एक्सपेंस में किस तरह से रिकवर करूँगा, बड़ा ही डिसिप्लिन होता है जापान में, किस तरह से मैं काम करूँगा, जापनीज़ लैंग्वेज में सीख पाऊँगा नहीं पाऊँगा, जापनीज़ लैंग्वेज सीखने के बाद मुझे इंडिया में जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, इंडिया में अगर जॉब मिलेगी तो वो कितने की मिलेगी, ये सारे क्वेश्चंस आपको जापान जैसी ब्यूटीफुल कंट्री, जापान जैसी एडवांस्ड कंट्री को एक्सपीरियंस करने से रोक देते हैं। हालांकि मेरी पूरी कोशिश है इन आंसर्स को भी कवर करने की, कि जैसे कि आप अपनी कॉस्ट को कैसे रिकवर कर सकते हैं, आरओआई तो से भी आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है, खाली जापनीज लैंग्वेज ही नहीं। देखिए जापनीज लैंग्वेज तो इवेंचुअली इसका एक पार्ट होता ही होता है, वो तो आपको आती ही आती है, आपको वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कि आपको एक नेटिव से बात करना सिखाती हैं, जैसे कि जापान का कल्चर, ट्रेन्स का डिसिप्लिन फॉलो करना, लोगों का डिसिप्लिन फॉलो करना, बिजनेस स्टाइल, ये सब चीज़ें आरओआई तो ही आपको सब कुछ सिखा देती है। जैसे कि भी मैंने आपको दिखाया था कि एक ट्रेन जो होती है जो बिना रुके जाती है उसको त्सू का देंशा बोलते हैं, जिस ट्रेन में जैसे मैं रुक के आया हूँ उसको फुत्सु देंशा बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जापान से ही सीखने को मिलती हैं, साथ के साथ आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है, वो अलग अलग तरह के फूड्स या मैं कहूँगा कन्फेक्शनरी आइटम्स, जैसे कोका कोला है तो वो पीच कोका कोला भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये सब चीज़ें जापान में आपको बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस देती हैं, जो कि आपको आगे जाके एक इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छी जॉब को खाली इंडिया ही नहीं, खाली जापान ही नहीं, यूरोप अमेरिका में भी लेने के लिए हेल्प करती हैं। इवन ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करती हैं। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग दिस चैनल। ऑल द बेस्ट।